रायसेन से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की रिपोर्ट। कैदियों के द्वारा पुताई, रायसेन जिले में बंद सजा आपता कैदियों द्वारा जेल अधीक्षिका हिमानी मानवारे द्वारा सरकारी बंगले की कराई जा रही है पुताई। रायसेन में जेल अधीक्षिका हिमानी मानवारे द्वारा सजा आपता कैदियों से पुताई का मामला सामने आया है। जेल अधीक्षिका हिमानी मानवारे पीडब्ल्यूडी मजदूरों से पुताई कराने की बात कर रही, जबकि पीडब्ल्यूडी के अधिकारी इस बात से मना कर रहे हैं कि उनके द्वारा कोई मजदूर भेजे नहीं गए। उनका कहना है कि इस साल पुताई के लिए पीडब्ल्यूडी के टेंडर ही नहीं हुए। जेल अधीक्षिका ने शासकीय निवास पर पुताई का मामला है। मुखबिर की सूचना पर मीडिया सेल अधीक्षिका के सरकारी बंगले पर पहुंची। मीडिया को देखकर दोनों कैदी दीवार कूद कर घर के अंदर भाग गए। वहां मौजूद जेल प्रभारी भी मीडिया को देखकर घर के अंदर चला गया। एसडीएम एल के खरे तथा एसडीओपी मुकेश चौबे भी मौके पर पहुंचे। कलेक्टर उमाशंकर भार्गव को भी सूचना दे दी गई, जिसके बाद कैदियों का नाम रामकिशन और संतोष बताए जा रहे हैं। जेल अधीक्षिका हिमानी मानवारे ने मीडिया से कहा है कि वो पीडब्ल्यूडी के मजदूरों से पुताई करा रही है, लेकिन मीडिया के कहने पर उन्होंने पुताई करने वाले मजदूरों को बाहर बुलाने से मना कर दिया। एसडीएम ने मीडिया से कहा है अगर कैदी हैं तो उनकी पूरी जांच होगी। एसडीएम एसडीओपी पुलिस को भी जेल अधीक्षिका के घर के अंदर जाने से रोक दिया। जेल अधीक्षिका ने दोनों कैदियों को घर को बाहर मीडिया के सामने निकालने से साफ इनकार कर दिया। मीडिया के सामने जब पहुंचे कैमरा लेकर तो दोनों कैदी फरार हो गए। क्या ये उचित है? अगर कैदी वहां से फरार हो जाते तो फिर क्या होता? किसकी जवाबदारी होती? कौन जिम्मेदार होता? रायसेन से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की रिपोर्ट। अपनी अपनी कर रहे सर, अनपताई आना, कोई अनपताई नहीं हो रही। पुताई का कोई टेंडर नहीं हुआ इस साल आना, क्योंकि डाले थे टेंडर नष्ट हो गए, किसी ने डाले ही नहीं टेंडर, ठीक ही नहीं हुआ इस बार साल। अच्छा, जो जेल अधीक्षिका के निवास पर पुताई हो रही है वो पीडब्ल्यूडी की पुताई है? नहीं 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 कर रहे, नहीं कर रहे। आपने कोई ड्यूटी की नहीं लगाई? नहीं नहीं, कोई नहीं लगाई। मैडम क्या है पूरा मामला? घर पे आप सजा याफ्ता कैदी रामकिशन और संतोष से पुताई करवा रही हैं? आपकी गलत फहमी है, आप चाहे तो जेल पे जाकर देख सकते हैं, सारा कैदी जेल में ही है। यहाँ पे मजदूर काम कर रहे हैं और पीडब्ल्यूडी से लगे हुए हैं, है ना। मैं अपने पर्सनल काम नहीं करा रही हूँ, पीडब्ल्यूडी का काम है, उन लोग काम करा रहे हैं। आप लोग गाड़ी देख रहे हैं इसलिए आपको लग रहा है मेरी टीवी खराब है, मैंने सुधरवाने के लिए इसलिए बुलाया था कि आप ले जाओ सुधरवाने के लिए। मैडम हमने रामकिशन से बात की है। वो आपकी गलत फहमी, आप किस तरह जानते हैं कैदी? कैदी अंदर रहते हैं, आप कैसे जानते हैं? पीडब्ल्यूडी में यदि कर्मचारी थे तो अंदर क्यों भागे? पीडब्ल्यूडी कर्मचारी नहीं है, प्राइवेट मजदूर हैं वो, तो अंदर क्यों? अंदर काम कर रहे हैं, अंदर ही काम कर रहे हैं भाई, अंदर ही काम कर रहे हैं वो। प्राइवेट मजदूर है, आप बाहर निकाल लिया उनको, आपके अंदर काम कर रहे हैं वो, तो आप बाहर बुला सकते हो ना उनको? आप लोगों का करना उससे नहीं करना, नहीं आपके राम कैदी नहीं है मैडम, कैदी नहीं तो आम आदमी का बात नहीं खत्म हो जाएगी। अच्छा, कैदी नहीं होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, मजदूर हुए ना तो बात खत्म हो जाएगी, आप बाहर निकाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है निकाल दूंगी, होगी बाइट पूरी आपकी। ओके ओके। सागर देवरी से हमारे संवाददाता त्रिवेंद्रम जाट की रिपोर्ट। कैबिनेट मंत्री हर्ष यादव ने देवरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का किया औचक निरीक्षण। अव्यवस्था मिलने पर बीएमओ को लगाई फटकार। देवरी क्षेत्र के विधायक व मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री हर्ष यादव को दिन शनिवार को दोपहर करीब 1 बजे देवरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। अस्पताल परिसर में बने पोस्टमार्टम भवन के निर्माण की गुणवत्ता चेक की व भवन की गुणवत्ता के साथ निर्माण कार्य करने के निर्देश दिए। साथ ही पुराने सरकारी जर्जर बंगले खंडर पड़े हैं। हमारा जो 30 बिस्तर अस्पताल देवरी का है, देवरी विकासखंड का सबसे बड़ा अस्पताल है, तो मूलभूत सुविधाएं यहाँ मिलने चाहिए, इसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं कि डॉक्टर की उपलब्धता हो। चिचोली से हमारे संवाददाता सुरेंद्र बाबने की रिपोर्ट। चिचोली सहित जिले भर में बढ़ते साइबर क्राइम को रोकने की मदद करें, टीआई ने कहा। चिचोली थाने में हुई शांति समिति की बैठक। चिचोली दीपावली पर्व पर थाने में शनिवार शाम को शांति समिति की बैठक। गणमान्य जनप्रतिनिधि, मीडिया कर्मियों और शासन के द्वारा दीपावली पर्व के सभी को मिलजुल कर मनाएं, पटाखे सोच समझ कर फोड़े जिससे अनावश्यक दुर्घटनाओं से बचा जा सके। टीआई आरडी शर्मा के बढ़ते साइबर क्राइम को रोकने के उपाय भी बताए और इनसे सतर्कता बरतने की समझाइश भी दी है। टीआई ने कहा है कि इन दिनों साइबर क्राइम
हम सब पर नासमझी से बढ़ रहे हैं, इसे रोकना नितांत आवश्यक है, जिससे हम सतर्कता बरतने की जरूरत है। बच्चे भी एटीएम ना दें, मोबाइल को अपनी सीक्रेट जानकारी ना दें किसी को भी, कोई को भी और अनजान आदमी को। रायसेन बमोरी से हमारे संवाददाता तारकिशोर शर्मा की रिपोर्ट। लकड़ी चोर लकड़ी छोड़कर मोटरसाइकिल लेकर हुए फरार, हालांकि एक मोटरसाइकिल फॉरेस्ट टीम ने दर दबोचने में हुए कामयाब। बमोरी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम करतौली केसली के जंगल में अवैध रूप से लकड़ी चोरों पर कार्रवाई। 5 मोटरसाइकिल लकड़ी चोर में से 4 मोटरसाइकिल लकड़ी चोर छोड़कर रफू चक्कर। हालांकि बमोरी फॉरेस्ट के रेंजर राजाराम ने एक की एक मोटरसाइकिल सहित 18 लकड़ी के चौकट नग जब्त किए हैं, जिसकी कीमत लगभग 50,000 बताई जा रही है। जल्द ही 4 मोटरसाइकिल एवं आरोपियों को हिरासत में लिया जाएगा।